आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। अभी जो भीषण गर्मी है जो मई और जून में हुआ करती है उसमें वक्त है। आज 21 अप्रैल है, यानी कि अप्रैल के भी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन अभी से जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है देश के अलग अलग हिस्सों में वो चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि देश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप लोग अब झेलने लगे हैं। ये जो तापमान बढ़ रहा है ये इंडिकेशन है, ये अलर्ट है कि आगे आने वाले वक्त में गर्मी और ज्यादा परेशान लोगों को करेगी। मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अभी से ही जो तापमान है वो 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अगले कुछ दिन में ये पारा अभी और चढ़ेगा, यानी कि जो गर्मी जो लू अभी लोगों को परेशान कर रही है उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्क हमें भी रहना है, क्योंकि मौसम जिस पर ना आपकी कोई आपका कोई कंट्रोल है ना हमारा कोई कंट्रोल है, मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। लोगों से कहा जा रहा है बिना वजह आप घर से मत निकलिए, और अगर घर से आप निकल रहे हैं तो गर्मी से बचाव के साधन आप अपने पास लेकर चलिए। पानी की बॉटल लेकर चलिए, कपड़ा ऐसा लेकर चलिए जो आपके फेस को ढक सके, और सिर पर सीधी धूप आप मत लगने दीजिए। हो सकता है आप गाड़ी से जा रहे हो, एसी आपका ऑन हो, वहां आप गर्मी से बच जाए, लेकिन अगर गाड़ी से उतरकर सड़क पर आपको चलना है तो ये सभी बचाव आपको देखने होंगे, करने होंगे। शीतल पेय पदार्थ, ऐसे ड्रिंक्स जिसकी तासीर ठंडी हो, जैसे जूस हो गए या नींबू पानी हो गया, ये सब कुछ आपको अपने साथ लेकर चलना चाहिए। सादा पानी भी आप लेकर चल सकते हैं, जिससे कि ये जो लू के थपेड़े हैं ना, ये जो बढ़ता हुआ तापमान है ना, जो आपकी और हमारी सेहत को बिगाड़ सकता है, उससे आप बचे रहेंगे। साथ ही साथ कई राज्य ऐसे हैं जहां भीषण गर्मी से जनता बेहाल है, और भीषण गर्मी ने जनता की परेशानी अभी से बढ़ा दी है। हीट वेव की चपेट में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलग अलग शहरों में तापमान बढ़ता हुआ दिख रहा है। तापमान जो है कई जगह वो 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि कई जगह ऐसी हैं जहां 44 और 45 डिग्री के भी पार टेम्परेचर बना हुआ है। अलग अलग राज्यों में इस तरह का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, खास तौर से मैदानी इलाके या फिर रेगिस्तान वाले इलाके जहां पर टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है, खास तौर से दोपहर के वक्त में, दिन के वक्त में, वहां लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अगले कुछ दिन में पारा इसी तरीके से चढ़ेगा। कई राज्यों में भीषण गर्मी से जनता का हाल बेहाल हो चुका है, और ये जो जनता की परेशानी है ये बढ़ गई है। एक तरफ तो चुनावी माहौल है, चुनावी सरगर्मियों के बीच में अब ये मौसम में जो गर्मी है वो भी भयंकर तरीके से लोगों को परेशान करने के लिए तैयार है। कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके हैं, और इस गर्मी की चपेट में आने से जो लू के थपेड़े हैं ना, आप उससे खुद को रोक पाएंगे, बच पाएंगे, और ना जो वो सूर्य की किरणें हैं, सूरज की जो सीधी धूप है, उससे भी आप अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए। आरजू सेठ मेरे साथ जुड़ गई हैं देश की राजधानी दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और लोगों की परेशानी भी साथ ही साथ बढ़ा रहा है। भोपाल से वैभव गुप्ता मेरे साथ हैं, लखनऊ से रवि कुमार हैं, और साथ ही साथ नीतीश झा जो कि मुंबई का अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे, नोएडा से महेंद्र माही भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आरजू, देश की राजधानी दिल्ली का हाल क्या है, टेम्परेचर अभी फिलहाल क्या है, और मौसम विभाग क्या इंडिकेशन दे रहा है, कहाँ तक पहुंच सकता है आने वाले 3 से 4 दिन में? बिल्कुल, देखिए अप्रैल का महीना चल रहा है और जिस तरीके से गर्मी हो रही है लग रहा है कि जून जुलाई का महीना है। लगातार जो तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। आज भी अगर तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। तस्वीरें इस वक्त की अगर हम दिखाएं आपको तो देखिए किस तरीके से लोग जो है वो या तो नींबू पानी पी रहे हैं उसका सहारा ले रहे हैं, या तो आइसक्रीम खा रहे हैं, यानी कि जो ठंडे पदार्थ है उनका सेवन करके कहीं ना कहीं गर्मी से बचने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। वही कहा जाता है इस बढ़ती गर्मी में जब तेज धूप होती है तो लोग जो है पेड़ का सहारा लेते हैं, तो वही लोग जो है वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं ताकि उन्हें छाई जो है वो मिल सके। वही जो सर मौजूद है, सर गर्मी लगातार बढ़ रही है, आप भी पानी पी रहे हैं, ठंडा नींबू पानी ले रहे हैं, कितनी मुश्किलें हो रही हैं, क्योंकि अभी तो अप्रैल का महीना ही चल रहा है। तो स्टार्टिंग में ये हाल है, मई जून में तो और परेशानी होगी। तो कैसे सर बच रहे हैं गर्मी से? क्या करें, काम तो करना पड़ेगा, गर्मी ठंडा काम तो करना ही पड़ेगा। चुनाव भी चल रहे हैं और इतनी गर्मी भी हो रही है, तो 5 साल पे आती रहता है, हमेशा होता रहता है। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि काम भी जरूरी है और लोग जो है अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गर्मी है उससे बचने के लिए ठंडा पानी पी रहे हैं। वही नींबू पानी कहा जाता है, नींबू पानी का सेवन जो है वो अक्सर गर्मियों में करना चाहिए, जिससे राहत मिलती है, ठंडक पहुंचती है शरीर को। तो लोग जो है कुछ चीजों का जूस पी रहे हैं, ठंडा गन्ने के जूस से हम देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ जो है वो नजर आ रही है,
कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनके शरीर में ठंड, कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी से किसी तरह बच सके, लेकिन ये जो सभी साधन है ये क्या काफी साबित होंगे? रवि लखनऊ से मेरे साथ में है। रवि, मैदानी इलाकों में तो मुश्किल गर्मी ने बढ़ा दी है, पहाड़ी इलाकों में फिर भी अभी संतुलित है मौसम, लेकिन मैदानी इलाकों में जिस तरीके से, जिस स्पीड से गर्मी बढ़ रही है, किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस प्रशासन की ओर से, मौसम विभाग की तरफ से दिए गए हैं? जैसे भी आरजू ने बताया, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, लोग बाहर से जो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं या ठंडा पानी पी रहे हैं, उन सब में बर्फ है। बर्फ यानी कि जिसकी तासीर गर्म है, अभी हो सकता है 2 मिनट के लिए राहत मिल जाए, लेकिन उसके बाद गला बहुत तेजी से सूखता है। आप अपने आसपास की तस्वीरें दिखाएं। देखिए, ये पूरी सड़क है, ये लखनऊ प्राणी उद्यान के लिए जाती है, पीछे प्राणी उद्यान का गेट नजर आ रहा है और उसके पीछे थोड़ी सी रोरल उद्यान, क्योंकि संडे का दिन है तो लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राणी उद्यान पहुंच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे पेड़ हैं और उसके अलावा भी थोड़ा मौसम यहाँ का अनुकूल रहता है। गर्मी से राहत के लिए लोग हैं वो यहाँ पर जरूर आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जिस तरीके से भीषण गर्मी लगातार बढ़ी हुई है, मार्च के बाद से अप्रैल की एंट्री के साथ वही लगातार गर्मी बढ़ी हुई है, और आज की अगर बात करें तो आज भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल लखनऊ के तापमान में करीब 40 डिग्री के आसपास के करीब तापमान नापा गया था और मौसम विभाग ने 2 दिनों तक फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है कि मौसम में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वो अपना ध्यान रखें, गर्मी से बचाव के लिए समय समय पर पानी पीते रहे, अपने आप को ढक के रखें ताकि गर्मी से बच सके। कुछ लोग मौजूद, उनसे कोशिश करेंगे समझने की किस तरीके की गर्मी से परेशानी हो रही है। गर्मी से हम लोगों की परेशानी से बचने के लिए सफ़ेद शर्ट और गमछा, जो भारत का शान और पहचान है, जो गांव में गांव के लोगों के लिए एसी का काम करता है गर्मी से बचने के लिए, सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद गमछा। बाय पूरे इंडिया। और भी लोग हैं, ये बच्चों के साथ आए हुए हैं, बच्चे ने क्या पहनी हुई गर्मी से बचाव के लिए? गर्मी बचाव के लिए बच्चों को कपड़े खुल पहनाना चाहिए, बच्चों को जो है कैप लगाना चाहिए और जो तरल पदार्थ होते हैं पेय पदार्थ उसका प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप राहत मिलेगी। तो बिल्कुल हमारे पीछे देख सकते हैं कि शख्स हैं जो पानी पीते नजर आ रहे हैं। गर्मी की वजह से जो परेशानी है वो साफ तौर पर लोगों को नजर आ रही है और पानी का सेवन लोग समय समय पर करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कई सारी दुकानें हैं, यहाँ पर हम चाहे जूस की दुकान की बात करें या उसके अलावा बाकी की दुकानें हैं, यहाँ पर लोग हैं वो बचाव करते नजर आ रहे हैं। जो लोग गुजर रहे हैं उन्होंने अपने आप को ढक रखा है ताकि गर्मी से बच सके। हालांकि अभी कुछ देर पहले हवाएं चलनी शुरू हुई जिससे थोड़ी सी राह जरूर है, वो हमारे पीछे देख सकते हैं परिवार जा रहा है, इन्होंने अपने आप को ढक रखा है ताकि गर्मी से बच सके। बच्चे कैप लगा रखी, चश्मा लगा रखा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से वहाँ तक जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ पर लोग गर्मी से बचाव के जो भी जरूरी इंतजाम है वो करते नजर आ रहे हैं। चश्मे की खरीदारी हो ताकि आंखों पे इसका असर ना हो जो धूप हो रही है। किस तरीके से बचाव कर रही है, गर्मी से किस तरह परेशानी हो रही है? ऐसे देखा जाए तो गर्मी में तो ज़्यादातर से ही पानी नहीं हुआ, आम का पन्ना हुआ, बेल का रस हुआ, ये सब ज़्यादातर से ही सेवन करना चाहिए। आप लोग किस तरह से बचाव करें, आप लोग क्या इस्तेमाल? हम लोग तो अपना फेस को दुपट्टे से, सर को दुपट्टे से ही बांध आकर एकदम कवर कर कर बाहर ही निकलते हैं। आप लोग कैसे बचाव कर रही हैं गर्मी से बचाव के लिए? पानी बार बार जरूरी होता है, बच्चों के साथ में है, किस तरीके से क्या इंतजाम कर रहे हैं आप? उसके लिए पानी पीना जरूरी है समय समय पर, और लिक्विड चीज़ें लेना बहुत ज़रूरी है, और बाहर जब भी निकले बच्चों को लेकर कैप है उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें जिससे कि उनको धूप और लू से बचाया जा सके। लोग बच सके हैं, अब वो देख सकते हैं हमारे पीछे एक बच्चा जा रहा है, इसने बोतल हाथ में ली हुई है और इसके बोतल में बर्फ भरी हुई है। ये बेटा इधर आओ, ये गर्मी से बचाव के लिए तुमने बर्फ ले रखी है ये? नहीं। क्यों, ये गर्मी हो रही है ना, गर्मी से परेशान, गर्मी से कैसे बचाव कर रहे हैं आप लोग? गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल, छाए में बैठे आराम से, मतलब दिखाई दे रही है कि बर्फ से भरी हुई बोतल है, इससे कितनी राहत होगी? थोड़ी वक्त ही राहत मिल जाएगी, थोड़ी वक्त ही राहत मिल जाएगी, वैसे तो राहत नहीं मिलेगी, छाए में मिलेगी। देख सकते हैं कि राहत के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे चश्मों की खरीदारी हो रही है गर्मी से बचाव के लिए, चश्मे खरीदारी क्यों की जा रही है? गर्मी के बचाव के लिए, गर्मी से बचने के लिए, गर्मी की बचत के लिए। गर्मी से कितनी दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है बहुत ज्यादा? देखिए, बच्चों ने भी चश्मा लगा रखा है, यानी कि गर्मी से बचाव के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं, जो भी जरूरी इंतजाम है लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं। पेड़ की छांव में दुकानें हैं और दुकानों के साथ में लोग खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। हमारे पीछे देख सकते हैं कि जो लोग नजर आ रहे हैं वो किस तरीके से छांव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। हाथ में पानी की बोतल है, गर्मी से बचाव के लिए पानी कितना जरूरी है समझा जा सकता है, और लोग पानी के सहारे ही इस गर्मी से बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। पानी कितना जरूरी है, हालांकि जगह जगह पर पानी के इंतजाम किए गए हैं। गर्मी से कितनी राहत मिलती है पानी से? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो ये गर्मी से बचाव के लिए और क्या, घर से तो निकलना कम हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है? जी जी, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। देखिए आपका, देखिए आपको राहत नहीं, आप ये बताइए पानी से कितनी राहत हो रही है? बहुत ज्यादा।
बहुत बिल्कुल पानी से राहत हो रही है और बिल्कुल जाहिर है जिस तरीके से जो इंतजाम है किए गए हैं जगह जगह पर, हालांकि जिस तरीके से छांव का सहारा है वो और लोग लेते हैं, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से जो पेय पदार्थों की दुकानें हैं वो वहां पर लोगों की भीड़ है वो नज़र आ रही है, चाहे हम बात करें तो जलजीरे की दुकान हो या उसके अलावा बाकी की दुकानें हैं वहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। आपने तस्वीरों में अलग अलग रंग हमें दिखा दिए, नींबू पानी जलजीरा पीने के लिए क्योंकि उसमें पुदीना भी है और उसमें नींबू भी है, उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो गर्मी से हमें बचा सके, इसीलिए लोग ऐसे इंतज़ाम कर रहे हैं, काला चश्मा खरीद रहे हैं ताकि आंखों को नुकसान हो से बचा सकें, पानी की बॉटल कैरी कर रहे हैं, खुद के फेस को कवर कर रहे हैं जिसे गमछा बोलते हैं, वो ज़्यादातर मैंने देखा पुरुषों के गले में पड़ा हुआ है। रवि आपने ये कहा, देखिए गन्ने का जूस भी यहाँ पर निकल रहा है, आपको थोड़ा सा मैं फ्री करूँ, आप भी गन्ने का जूस पी लीजिए, तब तक वैभव गुप्ता का रुख मैं कर लेती हूँ। वैभव, भोपाल में टेम्परेचर अभी क्या है और गर्मी से बचाव के इंतज़ाम क्या कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, एक और चुनाव है जिसने कार्यकर्ताओं की नींद उड़ाड़ा की है, तो भाई गर्मी की बात करें तो गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। क्या भाई साहब गर्मी कैसी है और कैसे बच रहे हैं? गर्मी में सर तंबू के नीचे छुप के बैठे हैं, गर्मी इतनी हो रही है कि तापमान कभी नीचे कभी ऊपर हो जाता है। तो क्या सोच के रखा है इस बार जो गर्मी को, मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 डिग्री ज्यादा तापमान रहेगा इस बार? मौसम के हिसाब से चलेंगे, क्या करें, जैसा धूप पड़ेगी बेहतर इस्तेमाल करेंगे हर चीज का। और हमारे साथ हैं फ्रूट्स लेने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि तरबूज खाने से जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाती है, खरबूजा खाने से। क्या तरबूज ले आए, क्या जूस वूस बनाओगे, क्या करोगे? नहीं, वो गर्मी ज्यादा है ना तो ठंडा ही रखती है तरबूज से। तो इस बार गर्मी से बचने के लिए और क्या उपाय करो फ्रूट्स के अलावा? और भी है बहुत सारी चीजें खा सकते हैं गर्मी कम करने के लिए। कुछ और भी है क्या फ्रूट्स लेने आप आए थे? इस बार जो मौसम विभाग का अनुमान है, हालांकि चुनाव भी है, सियासी गर्मी है, लेकिन गर्मी इस बार हाल खराब करने वाला है। जी सही कह रहे हैं, सियासी गर्मी के साथ मौसम जो है काफ़ी गर्म हो रहा है, मौसम विभाग ने भी टेम्परेचर बढ़ने का अनुमान जताया है, इसीलिए मैं भी कुछ फ्रूट्स लेने आया था ताकि फ्रूट्स लेके कुछ ठंडक हम लोगों को मिल सके। गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं बस, और बाकी कूलर है। हाँ, 2 दिन पहले ठंडक थी माहौल में, मौसम में, लेकिन अब जिस तरह से गर्मी है 41 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त भोपाल का। हाँ, मौसम में ये एक चीज़ ज़रूर देखने को मिल रही है कि कभी बादल हो रहे हैं तो थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फिर अचानक से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बॉडी को कहीं ना कहीं हाँ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एक समस्या ज़रूर आ रही है। बिल्कुल खाली पेट घर से ना निकलें, बिल्कुल एहतियात बरतें। क्या साहब गर्मी के बारे में क्या हाल है आपका, बेहाल तो नहीं कर दिया? गर्मी बेहाल करे हुए है, उसमें क्या जो है हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं गर्मी के। गमछा लेके चल रहा है, कैसे पहनते हैं बस? अरे वो ऐसे ही पहन लेते हैं यार, वो क्या है धूप के कारण जो है तो सब पसीना सीना निकलता है, पोसने के लिए हो जाता है, बाकी तो और सब। तो अभी तो गर्मी पड़ी नहीं है, मौसम विभाग का अनुमान है अब गर्मी तेज पड़ेगी? जब अभी पड़ रही तो आगे तो और पड़ना है, फिर तो आदमी बचेगा कहाँ, वो तो सीधा निपटने वाले का। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो डर का माहौल है, क्योंकि मौसम विभाग ने एक जो सर्वे किया था, जो आंकड़े जुटाए थे, उसका अनुमान यही था कि 2 डिग्री जो टेम्परेचर है इस बार ज्यादा रहेगा पिछले साल के मुकाबले। हालांकि मानसून जरूर सामान्य रहेगा, लेकिन अप्रैल का ये आखिरी हफ्ता है और आने वाले चाहे मई की बात करें चाहे जून की बात करें, यहाँ पर चुनाव भी होना है, मतदान भी होना है, तो सियासी भी गर्मी पड़ेगी और जो मौसम है, जो गर्मी है, वो जरूर लोगों का हाल बेहाल करके रखेंगे। इस वक्त हम एक फ्रूट्स की शॉप पर है, यहाँ पर फ्रूट्स खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी आ रहे हैं, दादा से बातचीत करेंगे। क्या दादा गर्मी के बारे में क्या कहोगे? चलिए, कुछ लोग हैं कैमरे से डरते भी हैं, और लेकिन जिस तरीके से जो गर्मी है वो बढ़ेगी, तेज गर्मी पड़ेगी, तो लोगों को भी एहतियात बरतनी होगी, अब खाली पेट बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, और विशेषज्ञ हैं चिकित्सक वो यही सलाह दे रहे हैं कि अपने सिर को ढक के चलें और बहुत ज़रूरी काम हो तभी दिन के वक्त घर से बाहर निकलें। वैभव ने दिखाया कैसे फ्रूट्स की दुकान पर लोग पहुँचे हैं फ्रूट्स खरीदने के लिए, जूस पीने के लिए, वो नींबू पानी पीने के लिए पानी की बॉटल कैरी कर रहे हैं, और एक गमछा सभी के हाथ में मैक्सिमम है क्योंकि चेहरा कवर करना, सिर को कवर करना ज़रूरी है। नीतीश झा का रुख कर लेती हूँ, मुंबई से हमारे साथ में है नीतीश। मुंबई चूंकि वैसे भी समंदर किनारे, वहाँ टेम्परेचर तेजी से बढ़ता है, क्या कुछ अभी गर्मी का हाल है और कैसे लोग खुद को राहत महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज जो है 34 डिग्री सेल्सियस का जो है तापमान ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन बीते कुछ दिन से जो है मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया था हीट वेव को लेकर के, और
बीते पिछले 14 साल का रिकॉर्ड इस अप्रैल महीने में जो है टूटा है। 2009 के बाद पहली बार जो है अप्रैल महीने में 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है तापमान गया है। हालांकि मुंबई में हर साल उतनी गर्मी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन क्योंकि समंदर किनारे शहर बसा हुआ है तो हवा चलती है और बाकी चीज़ों के कारण जो है उतनी गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन इस साल काफ़ी गर्मी पड़ रही है। इस वक्त मैं एक जूस सेंटर के यहाँ पर मौजूद हूँ, गन्ने के जूस के यहाँ पर, जहाँ पर लगातार लोग जूस पी रहे हैं और गर्मी से बचने के लिए अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। आपका नाम? गर्मी, अरे मालती, मालती मालती, क्या गर्मी, कितनी गर्मी है, कैसी है गर्मी, क्या गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? हम लोग कुछ कर नहीं सकते, घर में से बाहर नहीं निकल पाते। घर में से बाहर नहीं निकल पाते, अभी आप बाहर निकली है तो कुछ जरूरी काम से निकली है? रस पीने निकले, बाहर रस नहीं पीने निकले। देखिए घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं यहाँ पर लोग, और निकल भी रहे हैं तो जूस पीने के लिए और रस पीने के लिए। आपको कैसी गर्मी लग रही है इस वक्त? गर्मी तो बहुत लग रही है, रात को नींद भी नहीं आ रही है, इतना फैन के नीचे सोएगा तो भी नींद आती नहीं। फैन के नीचे सोने के बावजूद इनको नींद नहीं आती है। यहाँ पर जो जूस सेंटर के ओनर हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। बाकी दिनों से लोग ज्यादा आ रहे हैं गर्मी के कारण? हाँ, गर्मी तो बड़ी है, कस्टमर में बड़ा, कस्टमरों के आने में बढ़ावट मिली है या बाकी चीजों में? हाँ, पहले से तो है, गर्मी की वजह से सब आते हैं ज्यादा। देखिए वो बता रहे हैं कि गर्मी के कारण जो है कस्टमर का आना भी यहाँ पर बढ़ा है, लगातार लोग घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, और निकल भी रहे हैं तो वो इन चीज़ों के लिए निकल रहे हैं ताकि वो जाके जूस पी सके, फल फ्रूट खरीद सके, बाकी चीज़ों के लिए आ रहे हैं। मैं आपको इस वक्त शहरी इलाकों की तस्वीर दिखा रहा हूँ। बात करें ग्रामीण इलाकों की महाराष्ट्र की, तो विदर्भ, मराठवाड़ा, यहाँ पर जो है शहरी मुंबई से के उसमें ज़्यादा गर्मी वहाँ पर है, और वहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है इस वक्त ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण जिलों में जो लोगों को और ज़्यादा परेशान इस गर्मी के मौसम में कर रही है। नीतीश, आरजू, रवि और साथ ही साथ हमारे बाकी संवाददाता वैभव भी हमारे साथ में थे। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि गर्मी जो कि लोगों की परेशानी बढ़ा रही है, अभी चूंकि अप्रैल के भी 10 दिन बाकी हैं, मई जून भीषण गर्मी के कहे जाते हैं, लेकिन अभी से अगर टेम्परेचर 44 और 45 के पार जा रहा है तो क्या होगा आगे, ये लोगों के जहन में सवाल है। ओवरऑल गर्मी से परेशान है कैसे देश के बाकी हिस्से भी, ये रिपोर्ट आप देखिए। गर्मी का प्रहार, मचेगा हाहाकार, 17 शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार, गर्मी भयंकर, जरा संभल कर। देश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। देश में अभी से ही तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है और आने वाले कुछ दिन में और चढ़ेगा पारा। कई राज्यों में भीषण गर्मी से जनता बेहाल है, भीषण गर्मी ने जनता की परेशानी बढ़ा दी है। 17 शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और ऐसे में मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। देश भर में गर्मी का कहर जारी है। गर्म हवा के झोंकों के साथ सुबह 10 बजे से ही तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो जा रही है, जो सूर्यास्त होने तक जारी रहती है। अगले 4 दिन तक यही हाल रहने के आसार है। यूपी में लखनऊ समेत लगभग 15 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। अगर संभव हो तो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक धूप में निकलने से बचें, वरना लू की चपेट में आ सकते हैं। तेज पछुआ हवा के कारण बिहार के अधिकतर जिलों का तापमान काफी बढ़ा हुआ है। बिहार में शनिवार को इस मौसम का सबसे अधिक गर्म दिन रहा। शेखपुरा में रिकॉर्ड 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे अधिक गर्म दिन रहा। शेखपुरा रिकॉर्ड 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म स्थान रहा, जो सामान्य से 6.2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चुनावी मौसम है, चुनावी सरगर्मियां तो बढ़ी हुई हैं, लेकिन ये जो टेम्परेचर बढ़ा है, ये जो गर्मी बढ़ रही है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। मौसम विभाग अलर्ट जरूर जारी कर रहा है, लेकिन आम लोग किस तरीके से गर्मी से बचने के उपाय सुझा रहे हैं, लगातार इंडिया न्यूज़ के संवाददाता ग्राउंड पर रहकर हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश और आपको अवेयर करने की भी कोशिश कि आप गर्मी की वजह से बीमार ना हो जाएं। आरजू का रुख एक बार फिर से कर लेती हूँ, दिल्ली से हमारे साथ में मौजूद हैं। आरजू, दिल्ली एनसीआर में यूं पोल्यूशन से भी लोगों को पहले ही मार है, क्योंकि पोल्यूशन, जहां दम घोटू हवा, यहीं पर रहना मजबूरी, और यहीं पर लोग कामकाज के इरादे से घर से निकलते भी हैं, और यहां बढ़ता हुआ टेम्परेचर लोगों को और ज्यादा दोगुनी मार दे रहा है।
जी बिल्कुल, दोहरी मार जो है वो देश की राजधानी के लोगों को झेलनी पड़ रही है। लगातार टेम्परेचर की बात करें तो ऊपर जाता जा रहा है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि जब भी आप घर से बाहर निकले एक बार उनकी वेबसाइट जो है उस पर टेम्परेचर जो है वो जान लें। अब क्या कोई वार्निंग तो इशू नहीं की गई है, क्योंकि अगर रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से तो आप घर के बाहर निकलना हो इस तरह, क्योंकि देखिए जब इस समय की धूप होती है जो 12 से 3 4 बजे की धूप होती है बहुत तेज धूप मानी जाती है, जिससे आपकी स्किन को भी नुकसान पहुंच सकता है, आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर आपका जरूरी काम नहीं है तो घर से बाहर ना निकलिए। वही ठंडे पानी को लेकर भी चर्चाएं जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं धूप से घर जाते हैं वैसे ही ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक जो है वो हमारे शरीर के लिए होता है। उसकी जगह हम मट्टी का पानी जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर ग्राउंड की बात करें तो लोगों में भी बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि अभी अप्रैल का महीना है, मई बाकी है, अब जून जुलाई का महीना बाकी है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बिल्कुल ठीक आपने कहा, क्योंकि मई जून माने जाते हैं कि यहीं से भीषण गर्मी की शुरुआत होती है और तभी तो गर्मियों की छुट्टियां भी बच्चों के स्कूल की पड़ती हैं। रवि का रुख एक बार फिर से कर लेती हूँ। रवि, लोगों से आप लगातार बात तो कर रहे हैं लेकिन टाइम से पहले गर्मी का इतना ज्यादा बढ़ जाना, क्या लोगों को फिक्र भी है इस बात की? व्यवस्थाएं कर रहा है, जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्था की जा रही है और लोग धूप पे जो निकल रहे हैं वो किस तरीके से बचाव कर सके उसके लिए इंतजाम किया गया। अस्पतालों में भी इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि अगर कोई बीमार होता है इस गर्मी की वजह से उनको समय से इलाज मिल सके, बेहतर उनका स्वास्थ्य रह सके, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। अगर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में तमाम जगह जगह पर जो प्याऊ लगाए गए हैं और उसके लिए जिस तरह की गर्मी बढ़ी हुई है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 2 दिन फिलहाल राहत भरे नहीं होने, आने वाले दिनों में भी गर्मी को इसी तरीके से लोगों की परेशानी को बढ़ा सकती है। हालांकि अगर राज की बात करें तो सुबह से थोड़ी मौसम में बदलाव देखने को मिला है, थोड़ी सी हवाएं चल रही है और अभी थोड़ी सी आसमान में बादल भी छाए हुए, थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन अगर कल की बात करें तो कल बहुत गर्मी थी और सुबह से आज भी गर्मी का एहसास था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इस गर्मी से बचे कैसे, जो बदलता मौसम है ये भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। जयपुर से विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि राजस्थान जहाँ रेत ज्यादा है, रेगिस्तान कहा जाता है। अब विष्णु, जिस तरीके से गर्मी बढ़ी हुई है देश के बाकी हिस्सों में, कंपैरेटिवली राजस्थान तो ज्यादा तपता है, अभी टेम्परेचर क्या है, लोग इस गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? देखिए, राजस्थान की अगर बात की जाए तो नए विक्षोभ के बनने की वजह से 3 से 4 डिग्री जो टेम्परेचर है वो राजस्थान के अलग अलग जिलों में कम हुआ है। पिछले 24 घंटे में कोटा शहर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखा गया है, 40.2 डिग्री टेम्परेचर कोटा शहर का रहा है। उसके अलावा आज मौसम विभाग की ओर से जो कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के कुछ इलाके हैं जहां पर बारिश हो सकती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही साथ कुछ और भी जिले हैं जहां पर जैसे जयपुर संभाग का जो इलाका है, बीकानेर संभाग का इलाका है, वहां पर भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नए विक्षोभ के बनने से राजस्थान में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन फिर भी अधिकतर जो शहर हैं राजस्थान के उनमें टेम्परेचर 38 से 40 गर्मी से बचते हुए कुछ उपाय या फिर कुछ लोगों से बात या कुछ ऐसी तस्वीरें जिसमें लोग गर्मी से बचाने के उपाय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं और मैं कैमरा पर्सन मनोज से एक बार कहूँगा वो तस्वीरें दिखाएं कि लोग पेड़ों का सहारा लेते हुए नज़र आ रहे हैं, पेड़ों के नीचे खड़े हुए हैं, पार्कों के आसपास जो सड़कों पे जो पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पर लोग धूप से बचने के लिए सहारा ले रहे हैं। चिलचिलाती धूप अभी राजस्थान में कम ही पड़ रही है, क्योंकि जो नया विक्षोभ बना है उसकी वजह से 3 से 4 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम हुआ है। कई स्थानों पर बादल छाए हुए हैं जिसकी वजह से गर्मी से राहत जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन बावजूद उसके जो भीषण गर्मी का दौर है वो देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से लोग लगातार पेड़ों का सहारा ले रहे हैं। सड़कें आप देख सकते हैं अधिकतर सूनी नज़र आती हैं, जिन सड़कों पर हमेशा चहल पहल नज़र आती थी वो ये पूर्व इलाके की सड़कें हैं जयपुर की, जो आपको तस्वीरों में दिख रही हैं कि खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग की ओर से भी यही सलाह दी जा रही है कि अधिक से अधिक जो दोपहर का 12 बजे से लेकर जो 4 बजे तक का जो समय है उसमें घर रहने की सलाह लोगों को जा रही है। उसकी वजह से भी लोग जो धूप में कम निकल रहे हैं और साथ के साथ मौसम विभाग की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है कि जो अपने पालतू जानवर हैं उनको भी धूप में ना निकाला जाए, उनकी मौत हो सकती है, बंद गाड़ियों में उनको ना छोड़ा जाए, इन तमाम तरह की जो एडवाइजरी है वो मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। लेकिन अब कुछ इलाकों में आज राजस्थान में बारिश हो सकती है ऐसा मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है। जी
विष्णु आप बता रहे हैं कि मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि मवेशियों के लिए, जानवरों के लिए भी ये गर्मी बहुत ज्यादा घातक है। सावधानी ही बचाव है क्योंकि मौसम पर किसी का बस नहीं चलता। आप सभी का बहुत शुक्रिया, गर्मी के इस मौसम में आपने रिपोर्टिंग की और दर्शकों तक जानकारी पहुंचाई, लेकिन अपना भी बहुत ज्यादा ध्यान आप सभी रखिए। गर्मी से बचाने के जो भी उपाय हैं वो आप सभी रिपोर्टिंग के दौरान जरूर अपने साथ कीजिए और इन उपायों से गर्मी को मात दीजिए, गर्मी से बचिए। एक